राधे दोस्तों, माधो किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने गांव गई थी तो गांव में जो मेरी चाची हैं उन्होंने मुझे एक अलग तरीके से मतलब कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बना के सिखाई भी और खिलाई भी। क्योंकि वहां का जो गांव में जो चूल्हे वगैरह बनता है वहां की बात कुछ और होती है, वहां के हर चीज़ में टेस्ट होता है। तो कुछ यूनिक सा ही है, मतलब है सेम ही, क्योंकि कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं, कुछ भून लेते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो मेरी चाची ने मुझे बना के दिखाई इसका टेस्ट कुछ बहुत ही अलग था। तो आइए, मैंने भी सोचा कि जल्दी से मैं भी आपको ये चीज़ कचौड़ी बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये आलू को उबाल लिया था, अब इसको मैं छील लेती हूँ। इधर मैंने आलू अपनी छील लिए हैं और आलू का जो पेस्ट मैं बनाऊँगी जिसमें आलू मिक्स करूँगी उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक मिर्ची है, थोड़े से अदरक है, अदरक का एक टुकड़ा लिया है और 4-5 लहसुन लिए हैं और यहाँ मैंने थोड़ी सी ली है पुदीना। अब इनका हम जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इस पेस्ट को मिक्सी के जार में पीस लेंगे और बहुत ही कम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसको हमको सुखाना भी। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डाल लेते हैं और इसको आइए हम जल्दी से पीस लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग ये पंच चीज जो है जो महाराष्ट्र में बोली जाती है वो होते हैं बनाते हैं। ये कलौंजी है, आपका जीरा है, थोड़ी सी मेथी के दाने हैं, सौंफ है और यहाँ पर है हींग। अब इनको हम गर्म तेल में डाल देते हैं। तेल जो है वो हमारा गर्म हो गया, अब यहाँ पर हम डाल देंगे हींग। हींग डालने के बाद ही बाकी के जो हमने ये मसाले जो हैं कलौंजी जीरा वीरा ये सब हम डाल देंगे। जैसे ही ये हमारा तड़कने लगेगा वैसे ही जो मैंने धनिया और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था उसको हम डालेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो जीरा वगैरह अच्छी तरीके से तड़क वो हो गया है, मतलब ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने धनिया का पेस्ट बनाया था उसको हम डाल देते हैं और गैस हमने धीमी कर दी है और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक जो हमारा पेस्ट है इसका पानी सूख नहीं जाएगा। जब ये पानी सूख जाएगा तब हम इसमें अपना आलू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो मसाले का पानी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। अब हम यहाँ पर अपने आलू को डालेंगे। हम आलू को अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं जिससे कि आलू पूरा अच्छी तरीके से मिल जाए। इधर हमारे आलू जो हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, अब हम इनको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और इधर हम अपना हरी चटनी बनाते हैं। यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना, थोड़ा से लहसुन, थोड़ा सा अदरक और धनिया, एक मिर्ची और एक टमाटर ले लिया है। और जो हम इस समय जो पुदीना की जो चटनी बनाते हैं वो टेस्ट भी अलग होता है और हमारे पेट के लिए भी सही होता है। तो आइए इसको हम जल्दी से अपनी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। यहीं पे चटनी में हम थोड़ा सा नींबू को निचोड़ देंगे जिससे कि जो हमारी चटनी है उसमें और भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा चटनी में खट्टापन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया। अगर आप मैदा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आधा गेहूं आधा मैदे का आटा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदे आटा लिया है गेहूँ का और यहाँ पर मैं क्रश करके डाल रही हूँ थोड़ा सा अपना अजवाइन, जिससे कि हम जो कचौड़ी बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा डाला है सेंधा नमक, क्योंकि और मैं चटनी में और आलू के भरते में सभी में मैंने नमक डाला, इसलिए इसमें मैंने हल्का नमक डाला। अब हम आटा जो गूनेंगे ना बहुत ही सॉफ्ट आटा गूनेंगे जिससे कि जो हमारी कचौड़ी भरे तो वो जब उसको हम भरें तो वो सेकते समय हमारी फटे ना। तो आइए हम बहुत ही सॉफ्ट आटा मारते हैं तो हम आपको बता देंगे कि हमने आटा मारते समय कितने पानी का इस्तेमाल किया है। हमको बिल्कुल इस तरीके से ढीला सा आटा तैयार करना है। अब हमारा आटा भी तैयार है और आलू भी तैयार है और चटनी भी तैयार है, तो आइए उसको हम जल्दी से भर के बताते हैं। मैंने अपने कचौड़ी भरने के लिए इतनी छोटी छोटी सी आटे की लोइयां ले ली हैं। अगर आपको थोड़ी बड़ी लेनी है तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं जो कचौड़ियाँ बनाती हूँ छोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी छोटी कचौड़ियाँ पसंद हैं और इसको मैं बेलूंगी नहीं, बस हाथों से ही थोड़ा सा बेल के भर के हाथों से ही करूंगी, क्योंकि बेलेंगे तो वो बड़ी हमें आटा मतलब आटा की लोई चाहिए होगी, हमको बस मैंने छोटा ही आटा लिया, इसको बेल के हम भरते। यहाँ पे मेरे बेटे ने आलू भी चख लिए हैं कि आलू में नमक है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से चक्कर लगा रहा है किचन में कि मम्मी तुमने बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो मैं जल्दी से अपनी कचौड़ियाँ तैयार करती हूँ। बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ही बेल लिया है, अब हम इसमें अपने आलू का जो पेस्ट है वो भर लेते हैं।
इस तरीके से मैंने छोटी सी पूड़ी बेल ली है और यहाँ पे हम अपने आलू का पेस्ट जो है रख लेते हैं। अच्छी तरीके से रख के इसको हम धीरे धीरे से मोड़ देते हैं और चारों तरफ से बढ़िया तरीके से हम इसको मोड़ लेते हैं। इस तरीके से मैंने मोड़ लिया, अब बस हाथों की सहायता से ही हम इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे और बस बेलन नहीं चलाएंगे, बस इसी तरीके से दबाएंगे। इसीलिए मैंने कम आटा लिया जिससे कि जब हम खाएं तो आटा ज़्यादा ना आए, आटा कम आए और आलू का भी फ्लेवर हमको मिले। अगर आटा ज़्यादा लेते हैं तो वो मोटा हो जाएगा आटा और फिर हमें कचौड़ी के में थोड़े से आटे का पन स्वाद भी आ जाता है, इसलिए आटा हमने मैं कम ही लेती हूँ। अगर आपका मन हो तो आप आटा ज़्यादा लीजिए। बस इसी तरीके से हम इसको अपने हाथों से प्रेस करके कचौड़ियाँ बना लेते। तो आइए जल्दी से हम अपनी कचौड़ियों को भी सेक लेते हैं। अब मेरी जो कचौड़ियाँ हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई हैं। मैंने इसमें बेलन बिल्कुल भी नहीं चलाया, बस हाथों से ही इसको मैंने प्रेस किया जिससे कि सारे आलू फैल जाए और आटा भी जो है हमारा अच्छा सा पतला सा हो जाए। इधर ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने सरसों के तेल में ही मैं अपनी पूड़ी कचौड़ियाँ वगैरह सेकती हूँ। तो आइए हम अपनी एक कचौड़ी डाल के इसको सेकते हैं। अब जो हमारी कचौड़ी है वो बढ़िया तरीके से सेक के तैयार हो गई है। अब इसको हम उलट पलट करके दोनों तरफ अच्छी तरीके से इसको हम सेक लेंगे और गैस जो है आप मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि जब धीरे धीरे हमारी कचौड़ी सिकेगी तो अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाएगी। तो अब हमारी कचौड़ी सिक के बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक नए तरीके से जो आपको आलू की कचौड़ी बनाना सिखाया है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप इससे आलू के पराठे या सैंडविच वगैरह भी इस मसाले से आप बना सकते हैं। तो आप जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए, क्योंकि मैंने तो पहली प्लेट अपने बेटे को दे दी है क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी और बार बार किचन में राउंड मार रहा था। तो ये जो मैंने आपके लिए बनाई है इसको रेसिपी को आप ज़रूर बनाओ, क्योंकि ये एक विलेज की गांव की मतलब बनाई हुई रेसिपी है जो अलग ही इसमें टेस्ट होता है। और इसको बनाइए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, इसको टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।